जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान हाय हाय 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 कीजिए। आज जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, एक लोगों को रोष है पाकिस्तान के प्रति, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन हमें डिस्टर्ब कर रहा था। हम जब चाहो कभी सुरंग निकाल कर, कभी ड्रोन के जरिए, कभी फायरिंग, कभी हीरोइन, कभी चिट्टा, ऐसे ऐसे जो हमें परेशान कर रहा। हमारे पूरे बॉर्डर के लोग परेशान है इस पाकिस्तान से, क्योंकि पहले ये जब फायरिंग करता था उधर से गोलियां आती, इधर से भी गोले जाना शुरू हुए, तो अब इनका वहां पे अच्छी तरह से इनके दांत खट्टे किए हैं। अभी ये क्या कर रहा है कि ड्रोन के जरिए हमारे लोगों को, आपने देखा कितने बम गोले और कितना इन्होंने आईडीएक्स जो भेजी है ड्रोन के जरिए, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हम मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे ये हमारे आए दिन आईडीएक्स भेज रहा है हमारे यहाँ जे एंड के में, और देखो आप हमारा बॉर्डर जो मरीन ब्लॉक है, आए दिन यहाँ पे कितनी बार यहाँ फायरिंग हुई है और कितनी बार यहाँ ड्रोन पकड़े गए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार तो ये पाकिस्तान को हमें पूरी तरह से दांत इकट्ठे करने चाहिए इनके। और मैं आज जो जिन लड़कों ने जो पकड़ा है, जो हमारे एक प्रवीण जी हैं, एक पंकज सिंह है, इन लड़कों को मैं कहता हूँ कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए कम से कम, ठीक है जी। ये जो आज कांड हुआ है, ये बड़ा जबरदस्त कांड किया गया है। ये आज जो आरडीएस पकड़ा गया है, मुझे लगता है कि हमारी अमरनाथ यात्रा पर इन्होंने अटैक करना था। ये कोई बड़ी बड़ी साजिश थी, बड़ा कोई अटैक था, ये छोटी मोटी आरडीएस नहीं है। तो इसके लिए हम इसे पाकिस्तान का कड़ा विरोध करते हैं। जहाँ से 1.5 किलोमीटर के आगे पाकिस्तान है, ये ड्रोन के जरिए वेपन भी भेज रहा है, हीरोइन भी भेज रहा है, और आज आरडीएक्स भेजा गया है। हमारे लड़कों ने, लोकल लड़कों ने ये पकड़ा सुबह, और जाके इन्होंने फटाफट इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी दी है, और पुलिस भी जहाँ पर पहुंची है, और सारा ये जो मामला है इसके तह तक छानबीन होनी चाहिए। ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था और इसकी बड़ी निंदा कर रहे हैं हम। आइंदे के लिए और भी ड्रोन और रोज आते हैं और हमारे लोग रोज बताते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर कड़ी निगरानी होनी चाहिए, और पुलिस ने इलाके पे और आर्मी ने चप्पा चक्का पे नजर रखनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए आगे जो कोई ऐसा कांड होने वाला होगा उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन किया जाएगा।